Guys, how are you all guys? So guys, welcome back to my very own channel and myself, Himanshu Vadhya guys. So guys, in today's video, we are gonna talk about and continue our last video, which is based on English word meaning. I will teach you some English new word, or maybe you some familiar English word and their meaning in Hindi too. So guys, let's start. So guys, our first word is jitari, J-I-T-T-E-R-Y, jitari, J-I-T-T-E-R-Y, yani ki chidchida hona. Kabhi kabhi mein koi kuch zyada poke karta hai to irritated ho jata hai, chidchida ho jata hai, usko to jitari. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरानॉइड, PARANOID, पैरानॉइड, PARANOID, पैरानॉइड यानी कि इसको बोलते हैं पागलपन से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं पैरानॉइड, PARANOID, पैरानॉइड. नेक्स्ट है हमारा कोलिसिस, CoLisis, कोलिसिस यानी कि दंत, दांत शोध. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सार्कास्टिक, SARASTIC, सार्कास्टिक. कोई सार्कास्टिक वे में यानी कि टोंट वो वे में बहुत अच्छी कुछ बोलता है तो उसको बोलते हैं सार्कास्टिक, SARASTIC, सार्कास्टिक यानी कि व्यंगपूर्ण, SARCASTIC, सॉरी माई अपोलॉजी, इट्स अ स्पेल लाइक दैट, SARCASTIC, सार्कास्टिक. ठीक है, इसका मतलब है व्यंगपूर्ण. नेक्स्ट है हमारा अमेलिजमिनेशन, AMALGAMATION, अमेलिजेशन यानी कि इसका मतलब होता है मिश्र, किसी चीज़ का कुछ मिश्रण होता है तो उसे हम बोलते हैं अमेलिजेशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है कॉन्टाजियस, CONTAGIOUS, कॉन्टाजियस यानी कि संक्रमण, किसी चीज़ का कुछ संक्रमण होता है तो उसे बोलते हैं कॉन्टाजियस. ठीक है, और इसका एक मिला हुआ, इसका जो दूसरा मीनिंग होता है उसको बोलते हैं मिला हुआ, यानी कि कुछ मिला हुआ. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रोन अप यानी कि इसी GROWN, इसको हम किसी चीज़ को बड़ा होना या जैसे बड़े होने के लिए बोलते हैं, जैसे यूजली ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है, यू आर ग्रोन अप चाइल्ड, तुम बढ़ते हुए बच्चे हो और मैच्योर होते हुए बच्चे हो, यानी कि वयस्क होते हुए बच्चे हो. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो है INEPT, इनेप्ट यानी कि टैलेंटेड, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है, टैलेंटेड यानी कि बहुत कुछ करने की क्षमता होती है वो. ठीक है, और नेक्स्ट है मालेवल, MALLEVILE, मालेवल यानी कि MALLEVILE, यानी कि हार्ड, जो बहुत ही कठोर होता है उसको बोलते हैं मेलेबल. ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है हिकअप यानी कि HICCUPS, हिकअप्स यानी कि हिचकियान, जब हम इजीली हम इसके लिए एक डायलॉग बोलते हैं कि जब आपको कोई याद करता है तो हिचकी आती है, बट ऐसा होता नहीं है, ये आपका एक फिजिकल एक्टिविटी होती है. ठीक है, जो आपके खाने वगैरह से रिलेटेड होती है, तो हिकअप्स, HICCUPS, हिकअप्स यानी कि हिचकियान. ठीक है, नेक्स्ट हमारा विस्ट, विस्ट
WAIST वेस्ट, यानी कि कमर, जो कमर होती है उसको हम वेस्ट साइज बोलते हैं, WAIST वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंसिटी, सेंसिटी SANCTITY, SANCTITY, सॉरी SANCTITY, सेंसिटी यानी कि पवित्रता, किसी चीज़ की कोई पवित्रता होती है तो उसको हम सेंसिटिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सोटिक, EXOTIC, एक्सोटिक, EXOTIC, एक्सोटिक यानी कि विदेशी, जो कि नॉर्मल नहीं होता है, असामान्य होता है हमारे किसी भी देश के लिए, तो किसी दूसरे की चीज़, किसी दूसरे चीज़ की, देश की चीज़ जो होती है असामान्य होती है, उसको बोलते हैं एक्सोटिक, एक्सोटिक यानी कि विदेशी। तो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल भी हो। तो गाइस अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी सर्कुलेट कीजिएगा, उनको भी शेयर कीजिएगा। वो गाइस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड वॉन्ट टू से एनी थिंग टू मी, तो गाइस कमेंट सेक्शन इज टोटली योर्स, जस्ट राइट डाउन एंड आस्क मी एनी थिंग वॉट यू वॉन्ट। ठीक है गाइस, दैट्स इट माई वीडियो, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।